यार क्रिकेट और फुटबॉल आप लोग तब खेलते हो जब आपने दुनिया को कुछ ना प्रूफ करना होता है गोल्फ आप तब खेलते हो जब आप दुनिया को सब कुछ प्रूफ कर चुके होते हो आज एक ऐसे फोन की अनबॉक्सिंग थी जो मेरे ख्याल से किसी को कुछ प्रूव नहीं करना चाह रहा तो मैंने सोचा गोल्फ ही खेलने भाई तो मेरे पास फैंटम वी फोल्ड 5G आ चुका है ये बेसिकली टेक्नो का अब तक का सबसे हाईएस्ट एंड मोबाइल फोन है एटलीस्ट टेक्नो ये कहती है ये एक फोल्डेबल मोबाइल फोन है और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी मोबाइल फोन को अनबॉक्स करने वाले हैं यहां पर मैं ये बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि इंट्रो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है यार अगर आपको वो इंट्रो पसंद आया है। तो यार मेरी यही कोशिश होती है कि एज़ जो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है कि मैं कुछ ना कुछ नया ज़रूर करता रहूँ ताकि कुछ ना कुछ चलता रहे हाउ इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो मेरी नज़र है वो बहुत टाइट है तो आज हम देखेंगे कि, कि किस किस एरिया में ये मोबाइल फ़ोन अच्छा है और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर मैं कहूंगा कि यार इससे बेहतर ऑप्शंस पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद हैं However, मैं ये बात बता दूं कि अगर आप फोल्डिंग फोन की बात करते हैं तो पाकिस्तान में दो ही फोल्डेबल फोन हैं जो कि इस टाइम ऑफिशियली अवेलेबल है एक सैमसंग की तरफ से आता है और एक है ये फैंटम वी फोल्ड इसके अलावा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कोई भी फोल्डेबल डिवाइस नहीं है तो इसका जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत कम है नंबर के अंदर और ये जो मोबाइल फोन है प्राइस वाली साइड से भी एक बहुत सॉलिड एडवांटेज के साथ आता है इसका जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है वो एटलीस्ट ऑन पेपर दिखने में बहुत अच्छी है अनबॉक्स करके देखेंगे कि भाई एक्चुअल रियलिटी क्या है और भाई ये ये जो मोबाइल फोन है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बारह पांच सौ बारह जीबी वाले के अंदर आ रहा है। इसके अंदर जो बाकी हाईलाइट है जो कि एक नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है और मीडिया टेक की 9000 सीरीज का 9000 प्लस चिपसेट है इसके अलावा भी मोबाइल फोन की बहुत ज्यादा हाइलाइट्स हैं बॉक्स को जब आप ओपन करते हैं तो एक चीज आप रियलाइज करेंगे कि मोबाइल फोन बहुत ज्यादा प्रीमियम टाइप की जो फील है वो आपको प्रोवाइड करता है सबसे पहले आपको ये कार्ड देखने को मिल जाता है जो कि बियॉन्ड द एक्स्ट्राऑर्डनरी लिखा हुआ है इसके ऊपर उसके अलावा आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है जिसके ऊपर कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं क्योंकि ये एक फोल्डेबल डिवाइस है तो उसकी कुछ प्रिकॉशंस दी गई हैं जो आप ले सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आपको बेसिकली जो इसकी एक एक्सेसरीज का सारा सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है जिसके अंदर सबसे पहले आपको ये केस देखने को मिल रहा है जिसको फैंटम या टेक्नो आइवोट से वे इसके अंदर कहीं पर भी टेक्नो की ब्रांडिंग हमें देखने को नहीं मिली ये मुकम्मल तौर पर फैंटम की ब्रांडिंग के अंदर आ रहा है और टेक्नो इसको फाइबर केस कहता है ये देखने में काफी हद तक कार्बन फाइबर वाली जो लुक है वो प्रोवाइड करता है और बैक साइड के ऊपर आपको ये स्टैंड भी देखने को मिल जाता है जो कि इस केस के अंदर लग जाएगा अदर भाई आपको यहाँ पर आपका चार्जर और बाकी जो सामान है वो देखने को मिल जाता है पैंतालीस वॉट की चार्जिंग मोबाइल फोन सपोर्ट करता है और इस मोबाइल फोन के अंदर जो चार्जिंग की वायर है वो टाइप सी टू टाइप ए वाली होने वाली है ऑब्वियसली क्योंकि यही टेक्नो का काफी हद तक स्टैंडर्ड है जो कि हम दूसरे इनके हाई एंड फोन के ऊपर भी देख चुके हैं अच्छा भाई इसके ऊपर से जब तक मैं ये रैपर रिमूव कर रहा हूं तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि ये जो मोबाइल फोन है फोल्डेबल सीरीज में पाकिस्तानी मार्केट का सबसे अफोर्डेबल फोन है जो कि इस टाइम आप खरीद सकते हैं हाउ ये एक प्रीमियम फोन वाली लुक भी प्रोवाइड करता है भाई बैक साइड जो है ये कोई सिलिकॉन लेदर है जो कि बेसिकली एक आर्टिफिशियल लेदर है इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो आप ऐसे समझें कि किसी हार्ड चीज़ के ऊपर जब आप कपड़ा चढ़ा देते हैं ना तो वो वाली जो फिनिश है वो आपको इसके ऊपर फील होती है बड़ी यूनिक टाइप का टेक्सचर है और ये नरम नरम भी फील होता है जब आप इसके ऊपर नाखून मारते हैं ना तो आपको फील होता है कि कुछ नरम नरम सा यहाँ पर दिया गया है बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50 मेगापिक्सल के दो सेंसर्स लगाए गए हैं और उसके अलावा तेरह मेगा का एक सेंसर है फ्रंट साइड के ऊपर भी बत्तीस मेगा का सेंसर लगाया गया है और फ्रंट साइड की बात हो ही रही है तो यहां पर इस मोबाइल फोन की मेन हाईलाइट है जो कि सामने आती है और वो है इसका फ्रंट डिस्प्ले हमें जो दूसरे फोल्डेबल्स मिलते हैं वो ज़रा नैरो होते हैं तो उनकी जो आउटसाइड डिस्प्ले होता है वो एक नॉर्मल मोबाइल फोन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता जबकि इस फोल्डेबल में अगर आप देखते हैं तो ये एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आपको जरूरत पड़े तो आप इसको अनफोल्ड भी कर सकते हैं अच्छी बात यह है कि बेशक अंदर वाली स्क्रीन हो या बाहर वाली स्क्रीन हो दोनों ही डिस्प्लेज एल टीपीड्ले और ये दोनों ही डिस्प्लेज जो है ये वन ट्वेंटी हर्ड तक के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करते हैं बेसिकली टू तो उसके दरम्यान में शिफ्ट कर सकते हैं तो ये आपको सिर्फ सिक्सटी और वन ट्वेंटी प्रोवाइड नहीं करेंगे बल्कि उसके दरमियान के नंबर भी दे देंगे और उसके अलावा यहां पर जो दोनों डिस्प्लेज हैं ये एमोलेट भी हैं तो आपको एमोलेट वाली जो फंक्शनैलिटी है वो देखने को मिल जाती है इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का, का है एटलीस्ट बाहर वाली स्क्रीन के ऊपर और अंदर वाली स्क्रीन जो है भाई वो 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ आती है पर्सनली मैं ये कहूंगा कि जो बाहर वाला फ्रंट कैमरा है वो तो मुझे समझ आई है अंदर वाला भी अगर बत्तीस होता तो ख्वाहिशात तो फिर बंदे की ख्वाहिशात होती है ना पूरी हो जाती है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि क्या से कि किसी भी मोबाइल फोन के अंदर चीज होती है वो होता है उसका प्रोसेसर तो इस मोबाइल फोन के अंदर बारह जीबी के साथ आपको मीडिया टेक का नाइन थाउजेंड प्लस चिपसेट देखने को मिल जाता है और अगर आप उसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमने इसकी परफॉर्मेंस दो एरियाज में टेस्ट की है एक बार मैंने इसको परफॉर्मेंस मोड में डाल के टेस्ट किया है और जो रिजल्ट आया है वो 11 लाख के करीब का स्कोर है जो कि ये मोबाइल फोन प्रोवाइड करता है और अगर आप इसको नॉर्मल मोड के अंदर चलाते हैं और इसके ऊपर इन टू, -टू रन करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आया था वो दस लाख अस्सी हजार के करीब का स्कोर था तो आप परफॉर्मेंस मोड जब ऑन करते हैं आपको तकरीबन चालीस हजार पचास हजार का स्कोर जो है वो एन टू टू के ऊपर यह मोबाइल फोन ले रहा है जैसे मैंने इंटरवो में कहा ना भाई वो, वो बंदा है जिंदगी में सब कुछ कर चुका है उसने निर्वाणा अचीव कर लिया अब वो कह रहा है फोल्डेबल फोन लूंगा क्योंकि मैंने मारना शशका बट अगर आप वो बंदा है जो कि गेमिंग करना चाहते हैं तो इसके ऊपर गेमिंग भी आप काफी सॉलिडली कर सकते हैं और एक और

इंटरेस्टिंग ओपिनियंस है उसकी रीजन ये है कि आ, इस हिंज के अंदर जब आप इसको यूज करते हैं ना तो आपको ये फील होता है कि ये हिंज बेसिकली uh, 90 डिग्री के एंगल पे प्रॉपरली ओपन नहीं होता अगर आप इसको 90 डिग्री पे रोकने की कोशिश करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली या तो इस तरफ चला जाता है या दूसरी तरफ चला जाता है फोर्टी फाइव डिग्री के करीब का जो एंगल है अगर ये उससे ऊपर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है तो कहने का मकसद यह है कि इसको यूज करने का यही तरीका है कि आप इसको ओपन यूज करें या आप इसको क्लोज यूज करें आप इसको सेंटर में रख के यूज नहीं कर सकते हाउ जो इस डिस्प्ले की और इस हेंज की मजेदार बात है वो ये है कि क्योंकि ये इतना टाइट है तो इसके सेंटर में जो क्रीस है वो नॉर्मल फोल्डेबल फोन्स की नस्बत बहुत ज़्यादा कम है और आपको अक्सर केसेस में तो शायद वो नज़र भी ना आए क्योंकि ये इतना ज्यादा टाइट कर देता है जब यह ओपन होता है अकॉर्डिंग टू टेक्नो ये जो बेसिकली uh, हेंज है ये दो लाख बार टेस्ट किया गया है ताकि ये चेक किया जा सके कि इसके, इसके अंदर कोई मसला तो नहीं आता ओपन कि कर बट तो आपको सेटिस्फैक्शन भी एटलीस्ट मौजूद है कि भाई ये हेंज जो है वो कहीं जाएगा नहीं क्योंकि ये दो लाख बार जो है वो टेस्ट किया गया है इनफैक्ट इसके अंदर काफी चीजें हैं जो कि टेक्टो ने टेस्ट कराई है जैसे कि इसका हिंज है उसके अलावा इसको टी से भी सर्टिफाई कराया गया है कि छत्तीस महीने तक ये मोबाइल फोन जो है ये आपको फ्लुएंसी वाली सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा यानी कि ये मोबाइल फोन स्लो डाउन नहीं होगा जो कि मेरे हिसाब से वैसे भी अगर आप किसी से पूछ लेते तो पता लग जाना था क्योंकि इतनी ज्यादा पावरफुल चिपसेट जब आप लगाते हैं तो कोई भी बंदा बता देगा कि भाई ये मोबाइल फोन स्लो नहीं होने वाला और एटलीस्ट छत्तीस महीनों के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट लगाया गया है अच्छा भाई डे टू डे यूजेज की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर लगाई गई है ये खास तौर पर आपको जो फोल्ड का सारा सिनेरियो है उसके लिए इस्तेमाल में आती है और ये जो सॉफ्टवेयर है इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपको मल्टीपल टाइप की ऑप्शंस मिल जाती हैं फॉर एग्जांपल आप ये स्प्लिट स्क्रीन वाला भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ एप्लीकेशंस के अंदर आपको ये ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देती है कि आप मल्टीपल चीज़ें एक ही एंड पे देख सकें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेटिंग मेन्यू की बात करते हैं तो ये एक ऐसा मेन्यू है जिसके अंदर आपको बेसिकली अगर आप नॉर्मली देखें तो मोबाइल फ़ोन के अंदर दो स्क्रीन के अंदर जाना पड़ता है बट यहां पर अगर आप देखें और अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो सेटिंग मेन्यू डिवाइड ही एक ही जगह पे हो जाएगा तो फॉर एग्जांपल हम सिम सेटिंग में जाते हैं तो इस साइड पे सिम सेटिंग्स आ जाएंगी और पुराना मेन्यू जो है वो इस साइड पे आ रहा होगा तो ये चीज भी काफ़ी अपलीकेशन के साथ हो रही है फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप की बात करते हैं तो वो भी ये सैन्यू प्रोवाइड कर देता है इसके अलावा डे टू यू, डे यूजेज में ये काफी ज़्यादा स्मूथ हमें फील हुआ है एक चीज जो कि काफ़ी नोटिसेबल थी वो ये है कि भाई यहां पर जो साइड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर मेटल की मौजूद हैं और नॉर्मल केसेस के अंदर होता क्या है कि मोबाइल फोन में इतना बड़ा मेटल का एरिया मौजूद नहीं होता और ना ही उसकी जो बैटरी होती है वो दो फ्रेम्स के अंदर डिवाइड होती है तो हमने ये चीज नोटिस की है कि जब ये मोबाइल फोन चार्ज हो रहा होता है या जब आप इस मोबाइल फोन पर कोई हैवी टास्क करते हैं तो ये वाली साइड जो है आपको काफी ज्यादा हीटेड अप फील होती है है उसकी सिंपल सी रीजन ये कि इसका जो मेटल का एरिया है वो बहुत ज्यादा है तो आई एम कि उसकी वजह से यहाँ पर साइड पर आपको जो हीट है वो इस मोबाइल फोन में काफी ज्यादा फील करने में आती है अदर देन दैट अगर आप साइड की बात कर ही रहे हैं तो इसकी जो स्क्रीन है वो भी एक साइड से कर्व की गई है तो जब आप इसको होल्ड करते हैं तो ये आपको एक साइड uh, पर टेपर जो है वो प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है बट मुझे इसमें डर भी ये लगता है कि ये मोबाइल फ़ोन अगर स्क्रीन इसकी टूट जाएगी तो इसका अंडर वाला जो सारा सनैरियो है वो भी काफ़ी नाजुक स्क्रीन है ऑब्वियसली क्योंकि फोल्डेबल है और बाहर वाली स्क्रीन भी कर्व होने की वजह से नॉर्मल स्क्रीन की नस्बत मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा महंगी होने वाली है बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर टेक्नो आपको पाकिस्तानी मार्केट में एटलीस्ट 180 दिन की जो रिप्लेसमेंट है वो स्क्रीन की प्रोवाइड कर रहा है और उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि अगर उस दौरान में आपकी स्क्रीन वगैरह टूट जाती है तो आपको फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट जो है वो ये मोबाइल फोन प्रोवाइड कर देगा अच्छा भाई डिस्प्ले जो है इस मोबाइल फोन का हमने डिस्कस कर लिया है बट ये मोबाइल फोन एक ऐसा मोबाइल फोन है जिसको मैं टैबलेट भी कंसिडर करूंगा क्योंकि इस मोबाइल फोन को आप टैबलेट सिचुएशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं तो इसके स्पीकर सिस्टम का अच्छा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे ये बताते हुए बड़ी हैरानगी हो रही है कि भाई दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट स्पीकर सेटअप्स जो कि मैंने किसी भी मोबाइल फोन में देखा है यहाँ पर है जो कि गेमिंग यहाँ पर पर ऊपर और नीचे वाली पर जो स्पीकर लगाए गए हैं ये दो बिल्कुल बैलेंस साउंड आपको प्रोवाइड करते हैं और दोनों स्पीकर्स के अंदर मुझे कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता ये होता है कि जब आप स्टेडियो स्पीकर का सेटअप देखते हैं तो उसके अंदर एक कम और एक ज्यादा पावर दे रहा होता है that, एक और चीज जिस चीज ने मुझे इस मोबाइल फोन के बारे में बहुत ज्यादा हैरान किया है वो है इस मोबाइल फोन के कैमरा अब ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले अच्छे कैमराज वाले मोबाइल फोन नहीं देखे बट अगर आप एक फोल्डेबल फोन की बात करते हैं तो बहुत कम होता है कि एक फोल्डेबल फोन के अंदर आपको अच्छे कैमराज देखने को मिल जाए और यहां पर टेक्नो ने सीरियसली काफी ज्यादा इंप्रूव किया है ना सिर्फ फोल्डेबल कैटेगरी के अंदर बल्कि एज अ कंपनी भी क्योंकि मैं टेक्नो के फोन यूज करता रहा हूं और कैमराज में वो स्लोली स्लोली आ रहे हैं उनकी जो कैमन सीरीज थी वो काफी इंक्रीज हो रही थी बट दिस इज ऑन अनदर लेवल यहां पर बैक साइड पर 50 मेगापिक्सल के दो सेंसर्स लगाए गए हैं और उसके अलावा 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइट एंगल सेंसर दिया गया है

है, मैं घूम भी जाता हूं यहां पर भी अगर आप लोग देख रहे हो तो मेरा चेहरा प्रॉपरली नजर आ रहा है जबकि बैक साइड पर स्टूडियो लाइट लगी हुई है तो इसके जो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है कि आई एम जेनली इंप्रेस और मैं ये कह सकता हूं कि भाई बड़े अरसे बाद कोई ऐसा फोल्डेबल मैंने देखा है जिसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो एंड मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी मार्केट में शायद इसका जो है जो कि इससे डबल रेट में है ये उससे बहुत बेहतर कैमरा क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है अच्छा भाई इसके अलावा एक और चीज जो कि हम लोगों ने नोटिस किया वो यह है कि इसके फ्रंट कैमरा में आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलती ये स्लो मोशन मोड भी आपको फ्रंट कैमरा में प्रोवाइड कर देता है यहां पर वीडियो मोड में आपको टेन पर सिक्सटी देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आप यहां पर वीडियो एनहांसमेंट ऑन कर सकते हैं जो कि आपकी इमेज को बेहतर बना देगा आप यहाँ पर बेसिकली अल्ट्रा अल्ट्रास्टडी मोड ऑन कर सकते हैं अदर दें दैट ये ए आई कैम की ऑप्शन है पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ मिल जाता है सुपर नाइट मोड भी आपको फ्रंट कैमरा में मिल रहा है और ये वाइड सेल्फी मोड भी है और अदर दें दैट भी बाकी सारे मोड जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं हमने इस फ्रंट कैमरा से सेल्फीज वगैरह भी लेकर देखी हैं और हमारे जो रिजल्ट हैं वो उनके भी बहुत अच्छे आए हैं तो फ्रंट कैमरा की जो क्वालिटी है वो डे हो या नाइट हो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है पोर्ट्रेट uh, मोड जो है वो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर uh, का यूज करता है तो कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट्स में अक्सर अक्रत ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि भाई बहुत ज्यादा ब्लर कर दिया है बट अदर देन दैट जो ह्यूमन स्किन टोन्स है वो ये बहुत अच्छी तरह से दिखाता है और भाई आप पप्पू बच्चे हों या ना हो आपको पप्पू बच्चा बना देता है तो वो इस फ्रंट कैमरा की जो बात है वो जरूर है इंटरनली जो फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है और मैं इसके बारे में यह कहना चाहूंगा कि ऑल दो ये जो बाहर वाला बत्तीस मेगा पिक्सल उससे आधे मेगा लेकर आता है बट इसकी भी जो क्वालिटी है वो हमें बहुत ज्यादा पसंद आई है और अगेन आप लोगों को एक बात पता होगी कि जब आप बड़ी स्क्रीन पर कोई भी कैमरा देखते हैं तो यूजली उसका रिजल्ट इतना अच्छा निकल कर नहीं आता यहाँ पर ऐसा नहीं है बट ये चीज़ ज़रूर है कि जब आप आ, कैमरा से पिक्चर खींचते हैं तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम ज़रूर लेता है आई डोंट नो ये अंदर वाला कैमरा क्यों प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है इसके अलावा यहाँ पर यह प्रिव्यू मोड भी जो है वो अवेलेबल है और बेसिकली प्रिव्यू मोड के अंदर आप बैक कैमरा के थ्रू जो सेल्फीज़ वगैरह है वो ले सकते हैं तो आपका बैक कैमरा इस्तेमाल होगा और ये जो फ्रंट स्क्रीन है वो यूज हो जाएगी तो आप अगर 32 मेगापिक्सल से भी ज्यादा बड़ी सेल्फीज लेना चाहते हैं तो बैक का जो 50 मेगापिक्सल का, का सेंसर सुइट है वो भी यूज हो सकता है और बैक का जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बात हो ही रही है कैमरास की की तो भाई बैक कैमरा क्वालिटी भी हमें बहुत ज्यादा पसंद आई है और हमारी टेस्टिंग के मुताबिक जो बैक कैमरा है उसके अंदर भी आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही डिसेंट देखने को मिल जाते हैं यहां पर बैक कैमरा के अंदर भी आपको ए आई कैम पोर्ट्रेट सुपर नाइट मोड सब कुछ देखने को मिल जाता है बट एक चीज जिसने मुझे थोड़ा सा हैरान किया है वो ये है कि इसके बैक कैमरा के अंदर आप के पास एक और ऑप्शन मौजूद है जिसके अंदर आप लो लाइट वीडियोग्राफी भी जो है वो कर सकते हैं विच इज अक प्रोपोजिशन क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मोबाइल फोन लो लाइट के अंदर भी आपको ये वीडियो का मोड प्रोवाइड कर देगा बट इसके अंदर वो ऑप्शन भी जो है अवेलेबल uh, की गई है तो आप लो लाइट वीडियो जो है वो भी इसके बैक कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं अदर देन दैट भाई इसका जो पूरा सेटअप है है वो इस तरह का बनाया गया है कि इवन आप कैमरा भी ओपन कर सकते हैं और अपनी पुरानी शॉर्ट जो है उनको भी चेकआउट कर सकते हैं तो काफी इंटुएटिव किस्म का पूरा कैमरा का स्वीट है एंड कैमरा वाली साइड से आई कैन से दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट फोल्डेबल डिवाइस इन एंटायर पाकिस्तान जो कि ये कैमरास प्रोवाइड करती है हाँ अगर आप फोल्डेबल की दुनिया से बाहर निकल जाते हैं तो आपको इससे बेहतर कैमरा मिल जाएंगे बट फोल्डेबल की दुनिया के अंदर इस मोबाइल फ़ोन का कैमरा इज द बेस्ट कैमरा जो कि आपको देखने को मिल जाएगा 45 वाट की चार्जिंग ये मोबाइल फोन सपोर्ट करता है जब चार्जिंग हो रही होती है तो ये मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा टोस्टी टोस्टी सा हो जाता है बट काफ़ी तेज़ी से ये 5000 हज़ार की बैटरी को चार्ज करता है और यहाँ पर जो बैटरी लाइफ है वो भी हमें काफ़ी डिसेंट लगी है केस जब आप इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं तो ये इसको थोड़ा सा आई वुड से छुपने वाली लुक प्रोवाइड कर देता है वरना ये जो व्हाइट कलर है इसका ये जो गोल्डन टाइप का कलर है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी है बट ये ब्लैक के अंदर काफ़ी स्टेल्थी भी हो जाता है और आप इसको बेसिकली उसके बाद दो कन्फिग्रेशन के अंदर यूज कर सकते हैं तो इवन आप इसको कुछ इस तरह रख के टेबल के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो इसकी कुछ सिचुएशन है ये बेसिकली इसकी व्यूइंग एंगल की सिचुएशन है कि आपने अगर कोई मूवी देखनी हो या आपने कहीं टेबल पर रख के कोई काम करना हो तो आपके लिए ये काफ़ी हद तक एक टैबलेट का भी काम कर देता है ओवरऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि भाई ज नॉट अ परफेक्ट फोन इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि बेहतर हो सकती थी फॉर एग्जाम्पल मैंने मिस किया कि इसके अंदर आईपी रेटिंग नहीं है बट अगर आप इसके प्राइस टैक को कंसिडर करते हैं जो कि तीन लाख उनतीस हजार रुपया है तो दूर दूर तक कोई और ऑप्शन पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है जो कि आपको एक फोल्डेबल फोन इस प्राइस रेंज में प्रोवाइड कर रही हो जिसके अंदर इतने ज्यादा फीचर्स हो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस है आपको कैसा लगा है टेक्नो ने एक पंगा लिया है जिंदगी के अंदर चलते चलते ना जो है राह पंगा लिया है लेकिन फोल्डेबल फोन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया और एक काफी इंटरेस्टिंग प्राइस टैग पे लॉन्च किया है तो मुझे बताएं कि आपको इस बारे में क्या लगा है कैसा लगा है और किसी नेक्स्ट वीडियो में लगात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दिस इज बिलाल सैनिंग ऑफ अल्लाह हाफिज